नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचका। तो हालांकि हम लोग मालेगांव के ऊपर कर रहे हैं रिसर्च, छोटा सा हमारा टीम है, रात दिन निरंतर रूप से हम मालेगांव के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि कई बार हमारा टीम जो है मालेगांव में जो लिखा गया है अंक उसमें फंस जाते हैं। तो अंक यानी मालेगांव के गहराई को समझने की बात है ये। तो अगर अंक की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे अंक सामने आते हैं। एक तो होता है साधु संत की अंक, एक होता है पांजी के हिसाब से वो बनता है एक अंक, और तीसरा जो है वो है पूरी राजा जी के जो होता है अंक। तो हाल ही में गया है सुनिया पूरी के जो राजा हैं दिव्य सिंह देव जी, तो उनका जो अंक है वो प्रचलित हुआ है 67वीं अंक। तो 67th अंक जो है वहाँ प्रचलित होता है। तो इसका जो प्रचलन रहता है उसका खास करके विधि होती है। क्या होता है एक विधि, पहले उस पर एक नज़र डालते हैं और उसके बाद मालिका में इस अंक में क्या क्या होने वाला है वो भी हम आपसे बातें करेंगे। तो हालांकि ये जो अंक है हाल ही में इस अंक के प्रचलन हुई है। तो इसमें यह होता है कि पूरी गजपति महाराज दिव्य सिंह देव के राजत्व का 1431वां साल यानी 67वीं अंक में प्रवेश हो चुका है। तो इसमें क्या होता है, इस अवसर पर पुरी के जो राजा हैं गजपति महाराज एक स्वतंत्र परिपाटी में वो सिंहासन पर उपनिवेश करने का भी एक प्रथा होती है, और उसमें कौन कौन प्रेजेंट रहते हैं, उसमें उपस्थिति कौन कौन रहते हैं। इस अवसर पर उपस्थिति होते हैं उनके राजगुरु और उनके अन्य सेवायतगण। उनके जो राजगुरु हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं और जो सेवायतगण हैं वो भी उपस्थित रहते हैं। तो फिर इसमें और क्या होता है, इस अवसर पर एक स्वर्ण मुद्रा की प्रचलन आरंभ होती है। एक जो स्वर्ण मुद्रा होता है उसमें खुदाई होता है और उसमें लिखा जाता है 67वीं अंक। हालांकि आप अभी मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही है वो सुवर्ण अंक, जो स्वर्ण अंक। तो यहाँ से प्रचलन आरंभ होता है। और क्या क्या होता है आइए उस पर भी एक प्रकाश डालते हैं। उनकी जो 16वीं शासन होता है, जो पुरी महाराज जी के जो 16वीं शासन होता है, उनके जो ब्राह्मण हैं और अति विशेष अतिथियां हैं वहां पे भी वो भी उपस्थित रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मीडिया के मौजूदगी में भी होता है। तो फिर इसके बाद जो है उसी दिन से ये अंक जो होता है कुंडली और जो होता है पांजी, तो उसके जो गणना है, तो इसी दौरान उसी दिन से ये जो अंक है और कुंडली है और पांजी है ये उसी अंक के हिसाब से इसका गणना की प्रारंभ होता है। तो ये जो 67वीं अंक है इस दौरान शुरू हो जाएगा महाविनाश और महायुद्ध। तो ये सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, हालांकि मालिका हमेशा समाज को सचेतन की वार्ता देता है। तो मालिका में बहुत सारे ग्रंथ ये प्रमाण देता है, मालिका के बहुत सारे पोथियाँ भी इसमें ये प्रमाण देता है कि राजा जी के जो अंक हैं उसी 67वें अंक में आरम्भ हो जाएगा महाविनाश, विस्फोट आरम्भ हो जाएगा। तो फिर ये जो अंकों की जो गणना है, जब हमारा टीम इस अंकों के बारे में रिसर्च करता है तो वो इस अंक की जो चक्र भी है हम फंस जाते हैं। कई बार हम उसके समीप भी पहुंच जाते हैं, हमें सफलता भी मिलती है, कई बार हम सफलता भी नहीं भी मिलता है। तो फिर हमारा जो रिसर्च टीम है इसके ये मानना है कि ये जो 67वीं अंक है इसी में से आरम्भ हो जाएगा महाप्रलय, महाविनाश और बहुत सारी महामारी भी सामने आएंगे। कोरोना के जैसे, कोरोना तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, इसमें जो लिखा गया है आने वाले समय में कोरोना से भी 20 गुना ज़्यादा जो मारात्मक बीमारियां हैं वो भी सामने आएंगे। लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत के कारण भी ये महामारी हो सकता है, और आने वाले समय में महायुद्ध भी इस दौरान आरंभ होगा। हालांकि मालिका में लिखा गया है पुरी के जो राजा हैं उनके कोई पुत्र संतान नहीं होंगे और ये कलयुग के अंतिम कालखंड के अंतिम राजा होंगे। तो ये सब चीज़ें जब बिल्कुल मेल खा जाते हैं, जो ये जब चीज़ें हैं मिल जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तब हमें याद दिलाता है मालिका। तो मालिका में तो 500 साल पहले ये लिखा गया है, और जो लिखा गया है वो बिल्कुल कॉमा फुल स्टॉप के साथ सत्य में रूपांतरित हो रहा है। तो अभी क्या हम मान पाएंगे कि मालिका में जो लिखा है उसमें कोई सत्यता नहीं है? बिल्कुल कॉमा फुल स्टॉप के साथ 100% इसकी सत्यता है, और बहुत सारे जो मालिका के रिसर्चर हैं वो भी इस चीज़ को मान्यता देते हैं। खाली इतना ही नहीं, अभी तो मतलब एक समय ये था कि ये जो महान ग्रंथ, ये जो पवित्र पोथियाँ हैं वो एक समय पे पोथी और गुंफाओं में लुप्त होके रहा था, लेकिन आज समय आ गया है कि ये अब खाली उड़ीसा स्तर में ही नहीं समग्र राष्ट्र स्तर में
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी मालिका को मान्यता मिल रहा है। तो ये शुरुआत है, ये सब चीज़ें हम आपको बार बार ये चीज़ें मैं दोहरा रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल भी समाज में एक भयभीत वातावरण सृष्टि करने की हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। मालिका हमेशा समाज में एक सचेतन की वार्ता देता है और उसको आप तक पहुंचाने के लिए हमारा चैनल एक छोटा सा प्रयास कर रहा है। कैसा लगा आज का ये एपिसोड, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और किस किस विषय पर हमें आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो भी लिखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ, जय पंचखा।